विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के तहत एनेक्सी भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य का प्रतीक है और यह अवधारणा होती है कि शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ ही होगा, तथा इतना ही नहीं, फिजिकल हेल्थ के लिए हम डाइट, एक्सरसाइज और डॉक्टर का सहारा भी लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है। अब समय बदला है और लोग मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं। अब लोग शर्म या डर से मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करने के बजाय आगे आकर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि मेंटल हेल्थ का अर्थ है हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ। हम क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, यह सब मेंटल हेल्थ के अंदर ही आता है। उन्होंने कहा, अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं तो यह हमारे काम से लेकर हमारे रिश्तों पर भी असर डालेगा। उन्होंने कहा, दिमाग भी हमारे शरीर का एक हिस्सा ही है जिसमें कोई भी बीमारी हो सकती है, तथा इस स्थिति को बहुत नॉर्मली देखा जाना चाहिए और मेंटल हेल्थ को सीरियसली लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, COVID-19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने हम सभी के जीवन में तनाव और अवसाद को बढ़ाया है, लेकिन यह हार मानने का समय नहीं है बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करने का समय है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय, सुनीता पटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, यह योजना 2015 से चल रही है और इसमें तो महिलाओं के ज्यादातर पारिवारिक मामले भी आपके सामने आ सकते हैं, तो उन पारिवारिक मामलों को बृहद स्तर से बचाने के लिए आप उनका नाम पता, उनकी समस्याएं जो भी है, उनके पति पत्नी दोनों के मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेस करा सकती हूँ और उनकी जो समस्याएं हैं लोक अदालत के माध्यम से निर्धारित करा दी जाएंगी, जिससे कि वो अन्य अनावश्यक वाहनों से बचाव कर सके अपना और अपना कीमती वक्त बचा सकें। ये तो हमारी विधिक जागरूकता की जानकारी संक्षिप्त में आपको दे दिए हैं और बाकी हमारे जो संचालक होते हैं आपको निर्देशित कर रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमको टीकाकरण के बदले हमने उनको वहाँ अवगत कराया है और उनके द्वारा प्रॉपर हमारे पास सूचनाएँ भेजी भी जाती हैं, आप जहाँ भी आसपास जाएंगे अवगत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को ही ग्रहण करता हूँ, धन्यवाद। जिला चिकित्सा नई की तरफ से आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में आयोजन में हमारे मैं पहले सीएमओ साहब के बारे में बता दूं। सीएमओ साहब यहाँ 10 महीने के कार्यकाल आया है और 10 महीने के कार्यकाल में एक दिन भी घर नहीं गए हैं, इतनी चिंता स्वास्थ्य की बहुत भूमिका है। मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, हर कार्यक्रम में जबरदस्ती बुला मुझे एक कार्यक्रम में जाना था लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, यहाँ जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में देवेंद्र कुमार जी सेकंड न्यायाधीश, श्री संजय कुमार सिंह जी सिविल जज, जिला स्वास्थ्य शिक्षा और सूचना अधिकारी, ये भी देखते हैं कि तीन चार तरह की हमारी फ्रंट लाइन वर्कर यहाँ पर आई हुई है और हमने और जो भी हमारे स्वास्थ्य की हमारे सवारी बहुएं बहने यहाँ पर आई हुई है, उनका बहुत बड़ा जुड़ी से जुड़े हुए दोस्त जो अभी ये कह रहे थे कि आप सर हमको पढ़ाए हैं, तो
जैसे मैंने ज्वाइन किया हुआ था तो आप हमारे पास आए हुए थे कि इनके यहाँ भी थोड़े बहुत क्लासेस चलते हैं कि हर विभाग में लोगों को चार चार पाँच घंटे जाना पड़ता है, तो मैं नशा भी आए तो और आज आए हैं, बैठे हुए हैं, इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप लोग आए और प्रोग्राम से आप लोग दिया है। मेरे अमित साहिब जी, जो मैं पिछले 10 महीने से देख रहा हूँ, ये हर हफ्ते हमको पोस्ट करते हैं कि सर मैं इस गाँव में मानसिक मेला लगाया हुआ था, इतने लोगों का उपचार किया। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ कि ये छोटा हुआ पोर्शन है, इसको हम लोग बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि ये बीमारी जो है कितनी जटिल बीमारियाँ हैं। मन ही तो सब कुछ है, मन के हारे हार है, मन के जीते ही, मन ही मन का मीठ है, मन ही मन का मीठ, तो मन कैसा सोचता है वही सब कुछ होता है। मेरा तो ये मानना है कि बीमारियां जो हैं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन काम की भी तो बीमारियां होती हैं। अगर हम अपने काम में कर्तव्य निष्ठा ना आए, ईमानदारी ना ले आए, अपने काम से दूर भागे रहे, हमें जो काम करना है उसको टालते रहे, आज मुझे बीच एनजी सेशन में जाना है, हमारी आशा हो हमारी एनओ नहीं जा रही है, लोगों का ध्यान नहीं दे रही है, तो वो भी एक तरह से मानसिक बीमारी है। हमें जो वर्क दिया गया है हम उसी वर्क को अच्छी तरह से उसको करें, तभी वो स्वस्थ जीवन की स्वस्थ मानसिकता की का उदाहरण होता है। जरा सा ड्यूटी करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमको सरकार नौकरी पैसा नहीं रही है, हम घर पे बैठे रहेंगे, आज काम नहीं आए, काम तक नहीं जाएंगे, हमारे रिश्तेदार है आप ही बीच की सेशन में हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, हम डिप्रेशन मशीन नहीं ले गए हैं, हम शुगर जांच करने के लिए मशीन नहीं ले गए, कब नहीं बीच एनी सेशन गया हुआ था, देखा कि आशा एनएम और आंगनबाड़ी सब लोग बैठे हुए, डॉक्टर वर्मा ने कहा कि आपके पास शुगर की मशीन है, उनका भी आपके पास शुगर की मशीन है, हाँ है मशीन है, कितनी जांच किया आपने, तो कह चार जांच किया है, तो उनका सर मेरा भी जांच कर दीजिए, ये बैठ गए और वो मशीन खोल गई है, ठीक कर रही, खोल रही, ठीक कर रही, ठीक नहीं हो रही है, उसने वही सामने जो बोला वो काम नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या चीज है, बहाने वाली क्या चीज है। हमारी ईमानदारी तो हमारी कर्तव्यनिष्ठा तो हमारे कामों से दिखना चाहिए। जरा से डिप्रेशन अगर हुआ हमारे काम के प्रति तो वही मानसिक अस्वस्थता का शुरू हो जाता है। इला अस्पताल द्वारा और सीएमओ साहब बरनवाल जी इनकी पूरी टीम द्वारा, आशा बहुओं और भी जितने हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं स्वास्थ्य विभाग के, मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में एक सप्ताह मनाया जा रहा है, इसी के लिए आज ये मीटिंग जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित की गई है और ये बताया गया है कि मानसिक विकलांगता की पहचान है क्या है, किन किन चीज़ों को देख कर हम समझ सकते हैं कि मानसिक रोगी है, और साथ ही हमारे सभी डॉक्टरों ने, हमारे जो जज यहाँ पर उपस्थित हैं, इन लोगों ने बताया है कि हम कैसे उन लोगों का बेहतर इलाज दे सकते हैं। हर जो हमारी फ्रंटलाइन वर्कर आई थी उनको निर्देशित किया गया है जिला अस्पताल की तरफ से कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको किसी न किसी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचाएँ और उनको उन डॉक्टरों तक पहुँचा करके उसको फ़ायदा हम कितना दिला सकते हैं करें। साथ ही साथ ये कहा गया है कि बहुत सारे गांव में अंधविश्वास है कि लोग इसको बीमारी नहीं समझते,
इसको ओझा और सूखा के पास ले जाते हैं, जो उनका धन दोहन करते हैं, ये समझाएं ये लोग, और समझा करके उसको बताएं कि एक एक बीमारी है और इसका इलाज है, और इसका इलाज उनके विशेषज्ञों द्वारा कराएं। हमारे यहाँ पर जिला चिकित्सालय में सारे डॉक्टर हैं, देख करके उन उचित सलाह देंगे, दवा भी देंगे। किस तो मानसिक दिवस है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा? आज विश्व मानसिक दिवस है, जो पूरा एक सप्ताह मनाया जाता है, तो आज का 10 तारीख को विश्व मानसिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे ज़िले में भी आज हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारी आशा ANM, आंगनवाड़ी बहुएँ और CHOs और स्वास्थ्यकर्ता सभी लोग आए हुए थे। हर जगह से, पूरे ज़िले से, जगह जगह से लोगों को बुलाया गया था, उनको जागरूक किया गया कि मानसिक बीमारियां जो हैं सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होती हैं। ये पता ही नहीं चलता है कि ये मानसिक बीमारी है। लोग छुपे पड़े रहते हैं या एक गुमगुम पड़े हुए हैं, हफ्ते 10 दिन पड़े हुए हैं, तो लोग कहते हैं कि बस उसका मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये किस तरह से मानसिक बीमारी होती है। तो इन्हीं सब, कितनी भी तरह की मानसिक बीमारियां हो, उन सबको जागरूक करने के लिए हम सब लोग बुलाए हुए थे, और बढ़िया से हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं उन सब लोगों ने सबको समझाया, और ये लोग जाकर अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में ऐसे किसी भी रोगी की पहचान करेंगे और वो हमारे स्पेशलिस्ट के पास ले आएंगे, जिससे उनका उपचार हो सकेगा।